अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यहाँ पर इस वक्त मैं मुगलपुरा रेलवे की लाइन जो है उसके पास मौजूद हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पुलिस हमारे साथ जा रही है और हम स्टिंग ऑपरेशन करने जा रहे हैं। इस वक्त यहाँ पे कब्जा माफिया ने जो है अपना कब्जा जमाया हुआ है। ये केस कुछ इस तरह है कि ये सारी दुकानें हैं जो कि मेन चौक पे मौजूद हैं और ये पाकिस्तान रेलवे की हैं। यहाँ पे कब्जा हुआ हुआ है और ये भाई लड़ रहे हैं स्टेट के लिए और इनसे हम बात करते हैं कि ये क्या सारा माजरा। जी अस्सलाम वालेकुम जी, ये कब्जा ग्रुप ने रेलवे की दुकानों पर कब्जा किया हुआ है। 2 साल से इन्होंने अदालत से स्टे लिया हुआ था। हमने अदालती मामला में चेक किया, वो स्टे हमें किसी कब्जे से नहीं रोक रहा। मैंने आगे वो पाकिस्तान रेलवे के आला अफसरान से बात की, इन्हें बताया कि अदालत पाकिस्तान रेलवे की किसी प्रॉपर्टी पे कब्जा करने के लिए स्टे नहीं दिया। अदालत ने तो सिर्फ इन लीगल एक्शन से मना किया है, तो पाकिस्तान रेलवे को चाहिए कि अपनी प्रॉपर्टी बागदार करवाए। ਮਾਰਕੀਟ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਆਪੇ ਆਵੇ।
देखा जाता है कि जहाँ पे 50 लोग भी मौजूद हो वहाँ पे हाथापाई होती है, इंजर्ड हो जाते हैं लोग, जो है डंडा चलाना पड़ता है, शेलिंग करनी पड़ती है। लेकिन आप क्या समझती हैं कि अफसर का डंडे से ज्यादा अगर दिमाग चले तो ऐसे वाकयात से बचा जा सकता है? जी डेफिनेटली हिकमत अमली पे डिपेंड करता है आप कौन सा रास्ता अडॉप्ट करते हैं। हमने कोशिश की है कि इनको रेस्ट्रेन करें, इनको समझाएं। कहती हैं कि एक आला पुलिस अफसर का दिमाग चला और इन्होंने बड़े ऐसन तरीके से जो है यहाँ पे मामलात को कंट्रोल किया। सर आप क्या कहना चाहेंगे? सर ये देखो ना, ये कारोबारी लोग है, पहले तो जो ऊपर से हुक्म है, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, बाला अफसरन का हुक्म है, हमने उसको पहले देखना आता है, फिर इलाके वाइज लोगों को भी देखना है, इनके रोजी का मसला है, क्योंकि हमारा ये फर्ज है जो हुक्म मिलता है उसकी तमील करते हैं। और उसी तरह ये लोगों को समझाने की भी कोशिश करते हैं, यार ये एक दिन का मसला नहीं है, ये कई साल ये चलता रहेगा, क्यों फटा करते हो? फटे करने से तो नुकसान होता है, हमने ये फटे वाली चीज भी नहीं पढ़ना है। हमने रिक्वेस्ट की सबको, सब लोगों ने मान भी लिया, आपके सामने के कारोबारी लोग हो, ये अपना कारोबार करें जिसमें हमें रेलवे को फायदा हो, हमारी ये पॉलिसी रही है। ये आज से ना 22 साल मुझे गुजर चुके हैं ऐसी चीजों में, तो इंशाल्लाह ताला मैंने कोशिश की, जब भी काम किया तो कहीं फटा नहीं हुआ। रॉयल पम्प का आपके सामने है, सर्कुलर कराची आपके सामने है, मुझे अल्लाह ताला ने हिम्मत दी है, ताकत दी है, मदद करने वाला ऊपर वाला है, मैं यही कोशिश रही पूरी सर्विस।